प्रतीक बोलता है ना मैम, ये मैम बहुत अच्छी लगती है, वो तो उन्हीं का क्लास में रहेंगे हम, बोलता है। यस मैम, हम भी बोलते हैं, देखा है मैम को, बोलते हैं तो हाँ ड्रम बहुत जोर बजाती थी, हम लोग का प्लेयर होता था ना। Okay, lots of students are present. Let me admit all. This much fast, no one has came. Yes. So today your chat box is open. I was telling every time that no one will use chat box, but today is the last day you can use your chat box. Whatever you want to say or whatever you want to write, you can write in your chat box. I'll read those all. किसी किसी को बोल के भेजते है वैसा वाला है? नहीं, चैट बॉक्स में भी ओनली फॉर राइटिंग, लिख के भेज सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी लाइक दिस ओनली। ओके, चैट बॉक्स इज ओनली फॉर द टेक्स्ट। मैम पर क्लास लीव होगा ना तो बताइएगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग, मैम कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, यू वांट टू से? नाउ ओनली यू से, आई विल लिसन। मैम लास्ट में। अच्छा, एट लास्ट। हाय मैम, हाय आराध्या पीहू। मैम व्हेन स्कूल विल ओपन? निशांत, ओके। Samir, hi ma'am, hi to everyone. Okay, first thing, as I said, from that time, first thing only I'm telling, school aaj se band ho jayega, online class, nahi join karna hai kal se, aram se soye, theek hai, 2-3 din aram se, khub kheliye ghar ke andar, bahar nahi ghumna hai, corona abhi bhi hai. I was telling you that those who will fail, they will go to upper prep, telling na, do you remember? Yes ma'am. तो नाउ आई एम टेलिंग यू, नो वन इज गोइंग टू अपर प्रेप, कोई अपर प्रेप नहीं जाएगा। इफ यू आर पास देन यू विल गो टू क्लास टू, एंड इफ यू आर फेल देन वेलकम अगेन, आई एम हेयर टू टीच अगेन। मैं फिर से वहीं रहूंगी, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको अगर आप फेल हो जाते हैं तो। ओके, फेल हो जाएंगे और आप ही के पास रह लेंगे। I was just making इसके डरा रही थी आपको ना, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए, तभी तो अच्छे से पढ़ा और देखिए इतना अच्छा अच्छा मार्क्स आया। VM Kunal, I will miss you, I will also miss you. Siddharth, हम लोग आपसे कैसे बात करेंगे, क्लास खत्म हो जाएगा तो? हाँ, YouTube में मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है? तो मैं बात करूंगी। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब भी आप बहुत फॉरवर्ड हो चुके आप लोग, यू कैन जस्ट डीएम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। गुड बाय, आई मिस यू मैम, आई मिस यू टू दीपिका। एमडी अदनान, स्कूल रीओपन कब होगा? चलिए इसके बारे में बात करते हैं, स्कूल कब खुलेगा। स्कूल जो है, जैसा न्यूज पेपर में आया था कि 6 टू अबव, ठीक है, 6 क्लास से ऊपर का क्लास खुल जाएगा आपका 1 मार्च से। बट फॉर द जूनियर सेक्शन इट इज नॉट डिसाइडेड नाउ, जूनियर सेक्शन के लिए अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, तो स्कूल कब खुलेगा ये अभी किसी को नहीं पता, ठीक है? अभी कब खुलेगा स्कूल ये किसी को नहीं पता। कितना दिन तक छुट्टी मिला है? पूरी छुट्टी, अभी एकदम पूरी छुट्टी, जितनी छुट्टी मनानी छुट्टी मनाइए, लेकिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरे एक्टिव रहना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारा इंस्ट्रक्शन मिलेगा। वेन यू विल गेट रिपोर्ट कार्ड, ये भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया जाएगा। मैम बताइएगा क्लास लीव होगा तो? हाँ जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। मैम जल्दी बताइएगा तब ना, हम अपना ड्रेस सिलवाएंगे, मेरा ड्रेस छोटा हो गया है। सब कुछ छोटा हो गया मेरा भी। अच्छा, यू विल गेट नोटिस ना, बस कनेक्टेड रहिएगा, जरूर रोज एक ना एक बार जरूर चेक कीजिएगा, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज तो नहीं आया। ईशांत वाज टेलिंग आई विल मिस यू, अनुष्ठा आई लव यू, आई लव यू टू। चलिए एक चीज और मैं बताने वाली थी, मैंने परीक्षा पे चर्चा बोला तो बता दिया ना आपको कि फ्री में है, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मम्मी पापा भैया दीदी बच्चे टीचर सब कोई पार्टिसिपेट कर सकता है फ्री में।
और दूसरा जो चीज है वो मैं बता देती हूँ, आप कर सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया है तो अभी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। उसका नाम है लर्न इंग्लिश द इंग्लिश वे। ये एक गेम्स है एक्चुअली, खेल खेल के सीखना। तो इसका पैसा आप देख सकते हैं 2950 रुपया पूरा एक साल का, 12 महीने का 2950 रुपया। लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं ले सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप फ्री में कर लीजिए, एक महीना फ्री है, देखिए रजिस्टर फॉर अ 30 डेज फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल कर लीजिए आप। सो मेनी स्टूडेंट्स केम लेट, सो मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइंड मी अर्ली, दैट वाज वेरी नाइस, अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा करके। फ्यू पेरेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो इतने अच्छे हैं दैट दे वर सपोर्टिंग एवरी टाइम, मैं सपोर्ट कर रहे थे। यस अवय, इसीलिए थैंक यू मैम, वेलकम, थैंक यू टू यू आल्सो। मैम आप हम लोग उतना दिन बहुत अच्छा से पढ़ाया, मेहनत भी करके पढ़ाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम एंड थैंक यू टू यू ऑल। मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलूंगी सारे बच्चों को और सारे पेरेंट्स को, मम्मी पापा भैया दीदी जिन्होंने भी बैठ के बच्चों को पढ़ाया, उनकी हेल्प की। आप लोगों के बिना नहीं हो पाता, बिकॉज यहाँ से मैं केवल इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ दैट दिस यू डू दैट यू डू, लेकिन मेन जो काम था वो आपने करवाया, उनको लिखवाने का, उनको करवाने का, उनको बैठाया आपने पढ़ने के लिए। बिकॉज फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव, कुछ बच्चे जो हैं उनको बोलना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ बच्चों को बोलना पड़ता बैठो बेटा बेटा बैठता ही नहीं। तो दोज पेरेंट्स आर सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू, ऐसे पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी, अपने बच्चों की हेल्प तो की, उसके साथ साथ आपने मेरी हेल्प की हर चीज को कम्प्लीट करने के लिए। मैं यहाँ पढ़ाती, आपका बच्चा लिखता ही नहीं, कम्प्लीट ही नहीं करता, तो कुछ नहीं हो पाता। तो थैंक यू टू यू ऑल पेरेंट्स, आपने बहुत ज्यादा हेल्प की, बगल में बैठा के बच्चों को पढ़ाया, आप भी एक टीचर बन गए। मैं तो कभी कभी मम्मी पापा को भी डांट देती थी, आप लोग कुछ नहीं करवाते हैं, इतना बोले थे क्यों नहीं करवाया आपने। तो कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता था कि मैं आपके बच्चे के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इस तरह से तो मैं कभी कभी डांट देती थी, तो उसके लिए सॉरी है, मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा। प्रतीक बोलता है ना मैम बहुत अच्छी लगती है, वो उन्हीं का क्लास में रहेंगे हम, बोलता है। यस मैम हम भी बोलते हैं, देखा है मैम को बोलते हैं, तो हाँ ड्रम बहुत जोर बजाती थी, हम लोग का प्रेयर होता था ना। सही बोल रहा है, असेंबली होता था तो ड्रम बजाती थी मैं, हाँ सही है, याद है, चलो अच्छा याद है प्रतीक, तो माफ करती बट प्रतीक मैं पढ़ाऊंगी तो फिर तो आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। थैंक यू मैम, ओह बहुत थैंक यू आपके साथ, आपको पढ़ाने से कंप्यूटर हम भी बहुत कुछ सीख गए, कुछ नहीं जानते थे। ये फायदा हुआ है मुझे, मौका मिल गया आपको भी पढ़ाने का, मतलब मम्मी पापा को भी मैंने पढ़ाया, अच्छा बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोगों से मिला। तो फिर क्लास वन में रहना पड़ेगा, नहीं 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 क्लास टू जाइए, मैंने पढ़ा के पास कर दिया, अब आप लोग क्लास टू में जाएंगे। इफ यू आर नोइंग इंग्लिश यू कैन विजिट एनीवेयर, अगर इंग्लिश आता है ना कहीं भी घूम सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जापान जा रहे हो तो जापानीज आएगा, आप जा रहे हो नेपाल तो नेपाली आएगा। If you are knowing English, कहीं भी घूमिए। They'll say computer, and हम लोग बोलते हैं computer, but that is English only, English ही है। Thank you very much. I will also miss you. अब कोई अपने आंगन वहाँ पे आप कुछ लगाइए पेड़ पौधा, जब आप बड़े होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वाह अनीशा मैम से ये, अनीशा मैम ने पेड़ लगाने बोला था, कितना बड़ा हो गया, याद रखेंगे मुझे। I miss you and I will see guava tree. हाँ, this only I want कि वो पेड़ देख करके आप मुझे मिस करो। यस गुड मैम आई आल्सो, इसीलिए पेड़ लगाइए, जो भी पेड़ देखेंगे यू विल मिस मी, यू विल नेवर फॉरगेट मी, that's why. And now the time is ending. हाँ किसी को नहीं काटने देना वरना मुझे काट देंगे, मैम को मत काटो। मैम आप ना हमको ना आप और ये रानी मैम की और हमको तीन मैम अच्छी लगती है पढ़ाई है। ओह वाओ नाइस लूटो
एंड द क्लास इज गोइंग टू एंड, क्लास खत्म होने वाला है तो हम लोग अब बाय-बाय कर लेते हैं। वाओ नाइस कैट, मेरे पास पपीता भी है, अनार भी है, अंगूर भी है, मैम न्यू बाबा भी है। वाओ नाइस, वेरी गुड आशा आल्सो एंड आराध्या आल्सो। ओके देन हम लोग बात करेंगे तो बात करते ही रह जाएंगे, सो लेट्स बाय बाय टू एवरीवन।